नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अपराधी बिहार में बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं। सारण से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक युवक बैग में 40 लाख रुपए लेकर एटीएम में डालने जा रहा था, उस बीच अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 40 लाख रुपए की लूट अपराधियों ने की है। पुलिस तो तमाम जांच प्रक्रियाओं में जुट चुकी है, मगर सवाल यह है कि अपराधी जिस तरीके से बेखौफ होकर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर सवाल तो उठ ही रहा है। बीते दिनों भी मुजफ्फरपुर में 20 लाख रुपए की लूट अपराधियों ने की थी और आज सारण में 40 लाख रुपए एक युवक से, जो कि एटीएम में डालने जा रहा था 40 लाख रुपए, और उसी बीच अपराधी बेखौफ बेलगाम बिना डरे हुए आते हैं और 40 लाख रुपए लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। मगर सवाल यह है कि बिहार पुलिस कर क्या रही है। बिहार में जिस तरीके से अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बिहार पुलिस बस हाथों में हाथ थामे खड़ी है। जांच प्रक्रियाओं में तो बिहार पुलिस जुट जाती है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं, मगर क्या अपराधी पकड़े जाते हैं, यह भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी एक कर एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पहले मुजफ्फरपुर बीते दिनों और आज सारण में 40 लाख रुपए, सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 40 लाख रुपए की अपराधियों ने लूट की है सारण में। एक युवक जो 40 लाख रुपए बैग में लेकर एटीएम में डालने जा रहा था, जमा करने जा रहा था, उसी बीच अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है बिना डरे हुए। तो क्या बिहार पुलिस का जो डर है अपराधियों के दिल और जहन से हट गया है, क्या डर नहीं रहा अब बिहार पुलिस का अपराधियों में? जिस तरीके से अपराधी लगातार एक कर एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कभी मर्डर कभी लूटपाट जैसी घटनाओं को आसान तरीके से बिना डरे हुए अपराधी जिस तरीके से कभी मर्डर और कभी लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है, क्या जनता सुरक्षित है? जिस तरीके से दिन के उजाले में ही अपराधी बेखौफ होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठना लाजमी है। और देखने वाली बात यह होगी कि जांच में तो बिहार पुलिस की टीम जुट चुकी है, बिहार पुलिस जुट चुकी है, तो क्या अपराधी धर दबोचे जाएंगे? सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जहां घटना को अंजाम दिया गया है सारण में, जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति 40 लाख रुपए लेकर एटीएम में जमा करने जा रहा था, उससे 40 लाख रुपए की लूट जहां पर की गई है, वहां पर भी लोग जो हैं वो डरे सहमे से हैं। क्योंकि दिन के उजाले में ही अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में लोग भी काफ़ी डरे सहमे से हैं, अफरा तफरी का माहौल है। मगर उस अपराधी जिस तरीके से लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए भी चुनौती का विषय बन चुका है कि आखिर इन तमाम घटनाओं पर बिहार पुलिस किस तरीके से लगाम लगाती है, किस तरीके से अपराधियों को सबक सिखाने का काम करती है बिहार पुलिस। मगर अभी फिलहाल तो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अपराधी पकड़े जाएंगे या फिर कल एक नई तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, एक नई घटना को अपराधी अंजाम देंगे। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।